हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए गर्मा गर्म फूली फूली मटर की पूरियाँ और उसके साथ में एक बेहतरीन सी सब्ज़ी जो के है आलू दम। इंस्टेंट बनाऊंगी मैं और बहुत ही इजी सिंपल स्टेप के साथ में ये रेसिपी कंप्लीट होती है और बहुत ही अमेजिंग सुपर डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं इस मटर की पूरी के साथ में खाने के लिए जो हमें इंस्टेंट आलू दम बनाना है वो कैसे बनाना है, चलिए देख लेते हैं। तो आलू दम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है जिसमें मैं 2 to 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ और जब ये तेल गर्म हो जाएगी तो इसमें बॉयल किया हुआ आलू डाल रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने बेबी पोटैटोज लिया हुआ है जिनको मैंने पहले बॉयल कर लिया और उसके बाद में पील कर मैंने इसको बॉयल किया था नमक के साथ में और यहाँ पर मैं इस गर्मा गर्म तेल में इसे डालकर बस इसको फ्राई कर ले रही हूँ। इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर हो जाएगा आप इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे तो, उसके बाद में इसको साइड पे कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से आलू हमारी फ्राई हो चुकी है और अभी हमें दम आलू बनाने के लिए कुछ मसाले तैयार करने हैं, जिसके लिए एक बड़ा टमाटर, एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया हुआ है, कुछ 8-10 कलियाँ लहसुन की ली हुई हैं और 3-4 हरी मिर्चें ली हुई हैं। अभी इन सारी चीज़ों को हमें एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करना है। प्याज टमाटर को मैंने कट कर लिया है और साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून काजू डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ग्राइंड कर इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी दम आलू बनते हैं, जिसके लिए 1/4 कप ऑयल मैंने गरम कर लिया है और जब ये तेल गरम हो गई है तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ सबसे पहले और इसको मैं हल्का सा भून लेती हूँ। और इसमें मैं डालूंगी अब खड़े मसाले, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया हुआ है 1 छोटे चम्मच, आधे छोटे चम्मच सौंफ, 2 हरी इलायची, 2 लौंग ली है मैंने, 5-6 मैं यहाँ पे पेपरकॉर्न्स ले रही हूँ, साथ में मैं लूँगी 1 बे लीफ, इसके साथ ही 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का चाहिए होगा हमें। और ये सारे जो खड़े मसाले हमने डाले हैं इसको भी हमें भून लेना है। जब लाल मिर्च के साथ में ये सारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, फ्लेवर इनका रिलीज़ हो चुका है, सॉइल में आ चुका है, तो अब मैं इसमें तैयार किया हुआ ये पेस्ट डाल दे रही हूँ। जो वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपको वो पेस्ट बनाना बताया है वो सारा पेस्ट यहाँ पे डाल दें और इसको लो मीडियम फ्लेम पे 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लीजिए। मसाला यहाँ पे ऑलमोस्ट भुन चुका है, थोड़ा थोड़ा ऑयल सरफेस पे आने लगा है नज़र, तो अभी मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल रही हूँ जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, साथ में 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर और साथ में मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी, या नमक आप चाहें तो फिर अपने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और वापस से हमें ये सारी चीज़ें डालकर मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी और मीडियम फ्लेम पे आप इस मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए आप अच्छे से भून लीजिए। मसाला अच्छे से मिल सा गया है तो थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, जिससे मसाला और अच्छे से भुनेगा और फिर यहाँ पे इस मसाले को हमें 5 से 6 मिनट के लिए पानी के साथ में और अच्छे से भून लेना है। ये इंस्टेंट दम आलू बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस मसाले को ही सबसे पहले अच्छे से भून लेना है, तो ऑलमोस्ट आपको लगेंगे 7 से 8 मिनट टोटल टाइमिंग और ये मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा। जब तेल सरफेस पे आपको नज़र आने लगे और मसाला बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए भुनकर, तो आपने इसमें वो फ्राई किए हुए आलू ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने और इसको अब मैं अच्छे से मिला रही हूँ जिससे आलू में भी जो फ्लेवर्स हैं मसालों का वो आ जाए। और यहाँ पर मैं कुछ 1 से 1.5 मिनट के लिए आलू और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। और अभी हमें क्या करना है, इसको कुक करना है, तो मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढककर कुक कर लीजिए, जिससे आलू के अंदर भी सारे मसालों का फ्लेवर्स आ जाए, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी बॉयल्ड है, फ्राइड है, इसको ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, बस सारे जो मसालों का फ्लेवर्स है वो इसके अंदर समा जाए और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बने, बस इसीलिए हमें कवर कर इसको कुक करना होगा। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। और अब यहाँ पे हमारी ये जो आलू है बहुत अच्छे से गल चुकी है, इसके साथ में जो ग्रेवी थी हमारी उसके साथ में ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी होगी और फ्लेवर भी ऑलमोस्ट आ चुका होगा। तो अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये जो गरम मसाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, वो मेरा होममेड है, मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर की हुई है फ्रेंड्स, तो अगर आपको गरम मसाला घर पे बनाना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बहुत ही काम आसान हो जाता है। बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला है जो घर पे बनाकर आप तैयार कर सकते हो और महीनों रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये मसाला ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे बस अभी हमें लास्ट में आलू को बहुत अच्छे से भूनना है, तो हाई फ्लेम पे इसको
अच्छे से मिला लीजिए, जिससे जो आलू दम की ग्रेवी है ना वो थोड़ी लटपटी हो जाए और फिर आलू के ऊपर मसालों की अच्छी कोटिंग सी चढ़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसकी पतली ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ी सी लटपटी रहेगी। और ये बस इंस्टेंट आलू दम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो झटपट बहुत ही टेस्टी हमारी इंस्टेंट दम आलू रेडी हो गई है। तो आप भी इस मेथड से मेरे तरीके से एक बार दम आलू ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और चलें इसको अब साइड पे रखते हैं, और जो हमें इसके साथ में मटर की पूरी बनानी है वो कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मटर की पूरी ईजी बनेगी, चलिए देख लेते हैं उसे। अब पूरियाँ बनानी है हमें, सबसे पहले तो उसके लिए हमें डो तैयार करना होगा, जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया हुआ है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक यहाँ पे आधे छोटे चम्मच लिया हुआ है मैंने। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून शुगर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप ज़रूर डालिएगा। और नमक और शक्कर को मैं पहले मैदे में अच्छे से मिला रही हूँ, और जब ये मिल गई है तो इसमें मैं डालूंगी 2-3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, और बस इसको हाथों से मिलाऊंगी अब, जिससे जो तेल है वो सारे तरफ अच्छे से मिल सा जाए। तो ये जो बिगिनिंग की प्रोसेस है, इसमें जो हम ये चीज़ें डालकर इसको मिला रहे हैं, ये ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, इससे जो डो है ना बहुत ही अच्छा बनता है, तो बिल्कुल फुली फुली पूरियाँ बनेंगी। इसीलिए आप यहाँ पे तेल के साथ में अच्छे से इसको मिलाइए, और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा हमें इसमें डालना है गुनगुना सा पानी, और पानी डालकर इसको बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट सा गूंथ लेना है। तो ये डो भी हमारी पूरियों के लिए रेडी हो चुका है, इसको अभी रखते हैं साइड पे, और तब तक आगे जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो कर लेते हैं। तो अभी एक ब्लेंडिंग जार लिया हुआ है मैंने, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप हरे मटर ग्रीन पीस, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्च डाली है मैंने, और कुछ इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में हमें 1/2 टीस्पून डालना है जीरा पाउडर, साथ में हमें डालना है 1 छोटे चम्मच यानी कि 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमें इसमें सॉल्ट चाहिए होगा। अभी इन सारी चीज़ों को हमें 1/2 कप पानी डालकर इसको ग्राइंड कर इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखें हरे मटर का ये पेस्ट रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ली है, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून घी डाली है, जो कि घी मेल्ट हो चुकी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। घी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इन दोनों को हमें अच्छे से भून लेना है, और हींग की खुशबू आने लगी है अब, तो यहाँ पे अब मैं इसमें ये पेस्ट डाल दे रही हूँ। तो सारा का सारा पेस्ट हमें यहाँ पे इस पे ट्रांसफ़र कर देना है, और अभी हमें इसकी भुनाई करनी है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स मटर की पूरी बनाने का तरीका, ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही डिलीशियस, और आलू दम के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप मेरे मेथड से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और जब भी बनाएं दोनों को साथ में बनाएं, कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है, और हाई फ्लेम पे ये जो हमने पेस्ट डाली है ना मटर की, इसको हमें अच्छे से इसमें भून लेना है, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी को हमें ड्राई कर लेना है, तभी तो हम इसको फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मटर का टोटली कच्चापन आपने दूर कर लेना है, इसीलिए आप इसको अच्छे से भून लीजिए। तो ऑलमोस्ट आपको हाई फ्लेम पे भूनते हुए इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे, और ये परफेक्ट भुनकर इस तरह का रेडी हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये भुनना शुरू हो जाएगा, पैन को छोड़ने लगेगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि ये हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा मटर की जो स्टफिंग है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं क्योंकि थोड़ी गर्म है अभी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसको फिल करना है। अब आगे के स्टेप में हमें अपने डो की तरफ आना है, जो कि ऑलरेडी सेट हो चुका है, और अभी हमें इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेनी है। तो क्योंकि हम इसकी पूरियां बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बना रही हूँ मैं, बिल्कुल एक छोटे लेमन साइज़ का बॉल हमें तैयार करना है। बॉल्स जब रेडी हो जाएंगे तो अभी हमें इनमें स्टफ़ करना है हमारी ये मटर की स्टफिंग, जिसके लिए आप जो मैदे के बॉल्स बनाएं उसको बस इस तरह से स्ट्रेच करें, और इसमें 1 टीस्पून भरकर ये डालें स्टफिंग का, और इसको बहुत अच्छे से सील करें। और ये मटर की लोइयाँ, भरी हुई लोइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बस इसी तरह से आपने मटर को स्टफ़ कर लेना है, जो हमारी स्टफिंग है उसको इसमें स्टफ़ कर लेना है, और अच्छे से सील कीजिएगा इसे, जिससे ये स्टफिंग है बाहर नहीं निकले, और फिर जब इसको हम आगे फ्राई करें तो फिर जो स्टफिंग है वो बाहर तेल में नहीं जाए, वरना पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा केयरफुली आप इसको स्टफ़ कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बस उसी तरह से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको बेलना होगा। तो यहाँ पे भरी हुई जो हमारी लोइयाँ हैं उसको हमें थोड़ा सा फ्लैट सरफेस पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्राई करते टाइम आपने कुछ भी सूखा मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना है। ये भी एक ट्रिक है, इस पूरी को बनाने के लिए आपने थोड़ा सा तेल लगाना होगा, और तेल की मदद से इसको थोड़ा पतला बेल लेना होगा, बड़ा कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखें ये अच्छे से बेल चुकी है, और बस गर्मा गर्म तेल में अभी हमें इसको फ्राई करना है। तो अब जब पूरियाँ बेल चुकी हैं तो अभी हमें इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और मीडियम हॉट है यहाँ पे ये तेल, और इनमें हमें हमारी पूरियों को फ्राई कर लेना है। तो बस एक एक कर पूरियाँ इसमें ड्रॉप करें केयरफुली, और जैसे पूरियाँ फ्राई होंगी ना ये बिल्कुल फूल जाएंगी, और बिल्कुल फूली फूली गर्मा गर्म हमारी ये पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग भरी है मटर की, तो ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन अंदर से दिखेगी, और बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा ऊपर से।
तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको फ्राई होने में। तो तेल अगर आपका मीडियम हॉट है तो उसमें आप इस पूरियों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। जब इसकी एक साइड हो जाए तो आप इसकी साइड को चेंज करें और फिर ये फुली फुली बेहतरीन सुनहरी कलर वाली पूरियाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये इंटरेस्टिंग सी मटर की पूरी मैंने आपके साथ में शेयर की है फ्रेंड्स। वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया है बस उस तरह से फॉलो करेंगे तो आपके बिल्कुल फुली फुली पूरियां बनेंगी। तो बस जैसे मैंने आपको बताया है मेरे मेथड से आप मेरी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रेसिपी जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और अभी तो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म फुली फुली पूरियां मिल जाए तो फिर मजा आ जाता है और उसको आप बनाएंगे ये इंस्टेंट दम आलू के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये गर्मा गर्म बेहतरीन सी मटर की पूरी और उसके साथ में ये आलू दम की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी गेस्ट आ गए आपके यहाँ पे और आपको कुछ स्पेशल सा अलग सा बनाना है तो बस इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अपनों के लिए बनाइए, अपनों के साथ में इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी आई है पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स में। और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्राई करते हो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स तो मुझे अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चले फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और बेहद आसान सी रेसिपी लेकर आप सभी के लिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।